बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए और भीम आर्मी के फाउंडर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी की रीढ़ कही जाने वाले भीम आर्मी की आन पान शान बड़े भाई कमल सिंह वाला जी को क्रांतिकारी सलूट मारते हुए, साथियों अभी जो ताजी घटना कोरेगांव में हुई है मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा। जैसे हम किसी घर में किसी चौकीदार को रखते हैं और उस घर में अगर चोरी हो जाए और वो चौकीदार अपनी प्रतिक्रिया ना दे तो हम लोगों की सबसे पहले सबकी सुई उस चौकीदार की तरफ जाती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का चौकीदार आज कोरेगांव की घटना पे चुप क्यों है? इस देश का चौकीदार आज कोरेगांव की घटना पर चुप क्यों है? साथियों सुई उस चौकीदार की तरफ भी जाती है क्योंकि वो, मुझे पूरा लगता है कि उस चौकीदार का भी इस घटना में हाथ है। और साथियों जिन साथियों के दिमाग में एक बात घूमती हो कि भीम आर्मी है क्या, तो भीम आर्मी वो तूफान है जिसके पास बहाने नहीं है, भीम आर्मी के पास वो जन सैलाब है जिसके पास बहाने नहीं है। मैं अपनी छोटी सी बात कहना चाहूंगा साथियों, एक किला था किला, उस किले पर लड़ने के लिए बहुत सारे योद्धाओं ने उस किले को बहुत सुंदर किले को जीतने के लिए तैयारी की। हर बार कोई ना कोई सेनापति नेतृत्व करता और उस किले पर लड़ा लेता साथियों, लेकिन वो हार कर वापस आ जाते, फिर दोबारा किसी दूसरे सेनापति के नेतृत्व में लड़ा लेते और उस किले पर लड़ने के लिए जाते और हार कर वापस आ जाते। जब साल दर साल यही होता रहा तो एक उस सेना में एक कमजोर सिपाही था, उसने कहा साथियों आप ये लड़ाई इस बार मेरे नेतृत्व में लड़े। जो बुद्धिमान जो बाहुबली लोग थे वो कहने लगे कि तू छोटा सा सिपाही और इस किले को जीतने की बात करता है, हम लोग बहुत प्रयत्न कर चुके हैं उस किले को जीतने के लिए। उसने कहा भाई वैसे भी तो आप लोग हर बार हार रहे हैं, इस बार आप हमारे नेतृत्व में लड़े। तो बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोगों ने वो बात मानी और आखिरकार उस योद्धा के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हुए। साथियों जब वो उस योद्धा के नेतृत्व में लड़ने के लिए पहुंचे और नदी पार करने के बाद रात को आराम किया और सुबह दिन में युद्ध लड़ने के लिए जब तैयारी कर रहे थे, तो जब रात को सब लोग आराम कर रहे थे तो उस नेता ने क्या किया, उस योद्धा ने क्या किया, जिस किश्तियों में वो बैठ कर गए थे उस पार नदी के उस किश्तियों में आग लगा दी। जब आग उठी धुआं उठा सभी साथी लोग उठे तो कहने लगे कि भाई ये तूने क्या कर दिया, ये तूने हमारी किश्तियों में आग लगा दी, अगर हम हार गए तो हम घर वापस कैसे जाएंगे। तो साथियों पता है उस योद्धा ने क्या कहा कि यही हमारे हारने का कारण है साथियों, हम अपने बहाने की किस्ती अपने साथ रखते हैं कि अगर हम हार गए तो हमारे पास ये बहाना है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने किस्तों में बैठकर वापस चला जाऊंगा और चंद्रशेखर आजाद के पास कोई बहाना नहीं है, को एडवोकेट है और अपना फ्यूचर बवाल कर चुके हैं, के पास कोई बहाना नहीं है कि उनका उसी घटना के दौरान बालक हुआ है वो अपने बालक का चेहरा नहीं देख पाए, मंजीत सिंह नौटियाल के पास कोई बहाना नहीं है कि वो बीटेक करने के बाद पढ़ा स्कूल में पढ़ा रहा था और उनके घर में आज तक भी बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, माननीय कमल सिंह वाला जी के पास कोई बहाना नहीं है कि उनके पीछे तीन बच्चे दो भाई माताजी पूरे परिवार की जिम्मेवारी है और वो अपनी सरकारी नौकरी से भी अच्छी नौकरी के ऊपर लात मार दिया। तो समाज में भीम आर्मी के लिए ना करने का कोई बहाना नहीं है दोस्तों, इसलिए भीम आर्मी रात दिन तीन चौबीस तरक्की कर रही है। इन्हीं साथियों के साथ इन्हीं सत्यों के साथ सब साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव गुप्ता नीला सलाम जय भीम आर्मी।